हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सीट वैकेंसी वर्सेस सीट रिपोर्टिंग। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो दो तरह की पीडीएफ एसीपीसी ने आपको प्रोवाइड की थी। अब मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो ये है एसीपीसी का ऑफिशियल पोर्टल और इस वक्त हम यहां पर है बीई बीटेक के पेज के ऊपर, जहां पर ये राइट हैंड साइड में ये जो ऑनलाइन एडमिशन डिटेल्स है इसके अंदर यहां पर दो तरह की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जिसमें पहली पीडीएफ आपके पास कौन सी है, पहली पीडीएफ है यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड और ये वाली पीडीएफ यहाँ पर दिखाई देगी, और दूसरी यहाँ पर है कि नॉन रिपोर्टिंग स्टेटस वाली पीडीएफ। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर सारी प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मुझे एक बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोर्टल के ऊपर चल नहीं रहा है, तो लेट मी रिफ्रेश दी पेज और देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होता है कि नहीं। तो आई वुड से नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें यहाँ पर दो तरह की पीडीएफ देखनी है। पहली पीडीएफ कौन सी थी, पहली पीडीएफ यहाँ पर थी अलॉटेड वर्सेस वैकेंट की, और दूसरी पीडीएफ यहाँ पर अपलोड हो गई है कि राउंड नंबर वन के बाद क्या स्टेटस बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विच इज द धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेट मी सर्च इट इन द सेकेंड ऑल्सो विच इज द DAICT। तो दोस्तों DAICT में यहाँ पर इंटेक वर्सेस अलॉटेड में यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो पीडीएफ है ये है इंटेक वर्सेस अलॉटेड की, और जिसमें हम सर्च करते हैं DAICT। तो DAICT की ICT की सारी सीट्स यहाँ पर फुल हो चुकी थी, ICT विद CS की भी फुल हो चुकी थी, MNC की 17 नंबर ऑफ सीट्स और इलेक्ट्रिकल की 14 नंबर ऑफ सीट्स ये भी फुल हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर ये स्टेटस देखते हैं कि यहाँ पर राउंड नंबर वन के बाद क्या स्टेटस देखने को मिल रहा है। तो 30 जो सीट यहाँ पर दी गई थी उसमें 26 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है और 4 सीट उसमें से खाली रह गई है। ICT की बात करें तो इसमें 16, उसके अलावा MNC की बात करें तो इसके अंदर 5 नंबर ऑफ सीट्स, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी आपके पास 4 नंबर ऑफ सीट्स बची हुई है आपके यहाँ पर एडमिशन लेने की। तो यहाँ पर मैंने बोला ही था कि राउंड नंबर वन में भले ही यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि टॉप की जितनी भी यहाँ पर कॉलेजेस वो सारी यहाँ पर फुल हो चुकी है, बट मैंने जैसा बोला था कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली चांसेस है, डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो आगे चल के राउंड्स आएंगे उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी मतलब कुछ 10, 15, 20 इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर कॉलेज ले लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटीज ले लीजिए, प्राइवेट सभी में यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल है विच इज एवरीवन्स फेवरेट, नन अदर देन LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इनटेक वर्सेज अलोटेड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो LD में सबसे पहले सिविल, कंप्यूटर, EC, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, कोई भी यहाँ पर ब्रांच ले लीजिए, यहाँ पर जीरो ही दिखाई देता था। मतलब LD में तो इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया कि राउंड नंबर वन के बाद यहाँ पर प्लास्टिक और रबर को भी यहाँ पर मिल गया। तो ये हर साल होता नहीं है, बट इस साल यहाँ पर ये सारी सीट्स भी अलॉट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम इस सीट के ऊपर नजर डालें तो इसमें आप देख सकते हो सिविल में 12 नंबर ऑफ सीट्स, कंप्यूटर में 19, इलेक्ट्रिकल में 21 नंबर ऑफ सीट्स, एनवायरमेंटल में 22, और हम जरा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर रबर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल इसका यहाँ पर देखते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या निकल के आता है। सो वेयर इज LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और यहाँ पर है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। तो प्लास्टिक के अंदर 19 नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कुल मिला के जितनी सीट्स थी उसकी आधी भी यहाँ पर फील नहीं हुई है। ठीक है, रोबोटिक्स की यहाँ पर 29 नंबर ऑफ सीट्स खाली है, रबर की यहाँ पर 13 नंबर ऑफ सीट्स, टेक्सटाइल की तो सिर्फ 10 ही यहाँ पर सीट फुल हुई है, 22 यहाँ पर खाली है, AIML की 11 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर खाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो LD में भी अभी काफी सारी सीट्स आपके लिए बची हुई है। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी यहाँ पर आपके पास टाइम है, ये सारी सीट्स के ऊपर आप राउंड नंबर 2 के अंदर डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सो या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।